TV UK talk show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night, 7 PM UK time. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक टॉक में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान वकार हुसैन। आपके इल्म में होगा कि हर हफ्ते हम प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते हैं और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से मुतालिक उनसे मालूमात हासिल करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है आल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर को, शर्जील गुप्लानी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शर्जील गुप्लानी साहब, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है कि कोरोना के केसेस मुल्क में बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। सूरत हाल के पेश नज़र एक NCOC का इजलास बैठा है। खुदा न खास्ता अगर उन्होंने ये फैसला किया एक मरतबा फिर स्मार्ट लॉकडाउन, क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर स्मार्ट लॉकडाउन का मुतहम्मिल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल अल्लाह का बहुत करम है, खैरियत से हूँ और बेहद तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और बेहद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। देखें, कोरोना कि जो वबा आई वो तो पिछला जब लॉकडाउन हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान इसका मुतमिल नहीं हो सकता। और जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने बंद भी रहा, कराची बंद रहा, पूरा शहर बल्कि पाकिस्तान बंद कर दिया गया, उस लॉकडाउन के जो असरात हैं वो मार्केटों में आना शुरू हो चुके हैं। आप लोगों के भी इल्म में होगा और इस वक्त हमारे पास पोजिशन ये है कि रोज़ाना 8 से 10 केसेस हर मार्केट में डिफॉल्टर्स के आ रहे हैं। वो एक मार्केट का इशू नहीं होता, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, तो ये उसके असरात अब आना मार्केट में शुरू हुए हैं। अब अगर दोबारा कोरोना की सूरत हाल पैदा होती है और हुकूमत कोई फैसला लॉकडाउन का करती है तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे लिए जो है बेहतर फैसला होगा। लेकिन हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है कि वो क्या करती है आगे। मैं तो हुकूमत को ये मशवरा दूंगा कि जिस तरीके से हमने पिछली दफ़ा जब ये वो मामला हुआ था हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको जो है हमें कोई ना कहीं सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें या मार्केट्स के लिए कोई सपोर्ट करें, लेकिन हुकूमत ने हमारी किसी बात को सुना नहीं। अगर उस वक्त हमें लोन दे दी जाती और हमने लोन्स के लिए भी जो हुकूमत की रिक्वायरमेंट थी हमने पूरा होने करने की बात की थी, हमने कलेक्ट्रेट भी देने को तैयार थे, सिक्योरिटी भी देने को तैयार थे, सिर्फ हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि आप विदाउट इंटरेस्ट लोन दें। क्योंकि हर गवर्नमेंट ने, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, उन्होंने अपनी आवाम को कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया है। अगर आप डायरेक्ट इंसेंटिव ट्रेडर्स को या बिजनेसमैन को या इम्पोर्टर्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देती हुकूमत तो आज असरात मुख्तलिफ होते। बिलाशुबा जैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद ये यकीन दहानी कराई गई थी मुख्तलिफ मार्केट एसोसिएशन की जानिब से, ताजिर बरदरी ने बड़े पैमाने पर ये कहा था कि हम जो है कि SOPs पर सख्ती से जो है कि अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, जबकि सूरत हाल इसके मुख्तलिफ रही है। देखिए, SOPs पर अमल करना इतना आसान नहीं था। एक चीज़, आप एक माहौल होता है, फिर एक इंसान यूज्ड टू होता है, फिर आपका एक मामला ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि 20 रुपये का मास्क खुद तो पहनना नहीं था, घर में 8 अफराद हैं उनको मास्क पहनाना है और वो हर 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मास्क चेंज करना है, तो एक शख्स के ऊपर 100 रुपये का इजाफी खर्चा, वो आपकी इतनी बड़ी इकनॉमी नहीं है ना यहाँ पर इतने लोगों का पैसा है कि वो उसको अफोर्ड कर पाते, नंबर वन। नंबर टू, अगर उस पर अमल कराना था तो आपकी गवर्नमेंट मशीनरीज जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दुकानें सील करने, कारोबार सील करने और फाइन करने तक ही महदूद रही, ना कि उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी। देखिए, हम ताजिर हैं, हम अपना बिजनेस अगर करते हैं तो हमारे साथ आप सोचें कि एक एक दुकान में 2 से 3 लोग होते हैं और 4-5 खानदानों का कारोबार अपना जरिया माश वाबस्ता होता है। हम ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा, एक तो वैसे ही कारोबार ही हमें नुकसान, फिर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, फिर बिजली के बिल आप देखें किस तरह से भर गए हैं, और इसके बाद लोड शेडिंग, उन माहौल में हम किस तरह SOPs पे अमल कराते हैं। ये मुमकिन, अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करती, हमने इनको ये बोला था कि आपके पास एक पूरा मैकेनिज्म है, कमिश्नर ऑफिस हमारे साथ रबता करे, हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट करती गवर्नमेंट, तो हम SOPs पे अमल करा सकते थे। लेकिन ये तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि कोरोना इस तरीके से जितना दुनिया में फैला है पाकिस्तान में नहीं फैला है, तो अल्लाह ताला ने करम किया तो हमारी बचत हो गई।
शहर कायद में अब बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, लेकिन बदकिस और देखिए कि कराची 90% इस मुल्क को कमा के देता है, लेकिन इस पर 10% भी जो है कि नहीं लगाया जाता। कराची की इस हालत पर आप क्या कहते हैं? जगह जगह सूरत हाल आप देखें, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देख लें हमारे मुल्क के अंदर और दीगर जिस तरह की हमारे जो शहर के हालात हैं उस पर आप क्या कहते हैं? वैसे ताजर देखिए, कराची के साथ तो बहुत जुल्म है। कराची का ताजर वो ताजर है कि जो वॉलंटियरी, आप देखें एक मैकेनिज्म नहीं है इनका FBR का इनकम टैक्स लेने का, लेकिन वॉलंटियरी अपने जो है रिटर्न फाइल करता है, फिर इसके बाद टैक्स भी जमा कराता है। और अब FBR के जो फिगर्स हैं तो वो भी आपके सामने हैं। एक तो हम बात दावे करते थे, दावे वाली तो बात नहीं, अब तो आपके पास ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ गई हैं। इसमें भी हमारे अभी भी तहफ़ुज़ात हैं कि जो सही फिगर अभी भी नहीं दिया गया। उसकी वजह ये है कि जो डिस्क्रिप्शंस हैं जो उसके अंदर NTN के अंदर, उसमें वाज़े तौर पर ये नहीं पता कि कौन सी फील्ड का कौन कहाँ पर बंदा टैक्स दे रहा है। तो उसमें भी खैर, लेकिन फिर भी कराची ने प्रूव कर दिया कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इस मुल्क में शहर है। स्पेशली साउथ सेंट्रल ने बहुत ज़्यादा टैक्स दिया, लेकिन कराची के साथ जो ज़्यादती की गई वो कराची के साथ ज़्यादती नहीं की गई, वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई। कराची आपका माशी हब है, कराची आपका पोर्ट सिटी है, कराची आपका एक जो सूबा कमाने वाला है उसका दारुल खिलाफा है, वो पहले इस मुल्क का भी दारुल खिलाफा था। कराची के साथ तो ऐसा होना चाहिए था कि आपके जो कारपेटेड रोड होते जिसमें आपकी जो वॉकिंग स्ट्रीट होती वो ऐसी होती कि लोग इसको यहाँ घूमने आते, आप इसमें टूरिज्म पे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। कराची के अंदर आज भी ओल्ड सिटी एरियाज में सदर में ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि दुनिया के बहुत से लोग देखना चाहेंगे। तो हमें तो अफसोस होता है कि रोड तो तबाह हुए, कराची का इस वक्त सेवरेज सिस्टम टोटल तबाह हो चुका है। पानी पिछले 30 साल में माफिया ने घरों में पहुँचने के लिए रुकावटें पैदा की। आपके शहर में पानी टैंकर के जरिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लाइन के जरिए आपको पानी नहीं मिलता और कराची किसी शहरी को नहीं मिलता। ये कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और मुझे मेरे मुंह में खाक, लेकिन इसका कभी ऐसा ना हो कि इसका नतीजा हमें बहुत भयानक सूरत में भुगतना पड़े। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से ताजर बरादरी मुतमईन है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह ये है कि जब ये हुकूमत आई, इससे पहले हमारी मीटिंग्स हुई थी, असद उमर साहब भी ताजर इत्याद के दफ्तर में तशरीफ लाए थे और हमारी इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशंस हुई कि भाई आप मईशत कैसे चलाएंगे, और उन्होंने जो हमें बातें की थी उस पर फुलफिल नहीं कर पाए। बल्कि आपको याद होगा खालिक दिन और में हमने ताजर इत्याद के तहत इमरान खान साहब तशरीफ लाए और सारी बातचीत की, और इमरान खान साहब ने हमें फिगर दिए और सारी बातें जो उन्होंने की उसके बरक्स सारे मामला हुए। पिछले 2 साल से FBR के हम जो है दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और हम इनको अपनी जो तजावीज़ दे रहे हैं, हो ये रहा है कि एनुअली मीटिंग्स भी हुई, बजट के बाद भी हमने प्री पोस्ट बजट भी हमने जो है तजावीज़ दी। हमारे छोटे ताजरों की जो तजावीज़ हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, और मुल्क की मईशत चलाने वाली जो रीढ़ की हड्डी है वो ताजिर है या इंडस्ट्री सनतकार है। सनतकारों की तो कहीं ना कहीं इनको इंसेंटिव भी मिल जाता है, और जो है ये हुकूमत भी जिस तरह पीछे की हुकूमतें थी तो ये हुकूमत भी उनकी बात सुन लेती है, लेकिन छोटे ताजरों की बात सुनने वाला पहले भी कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं। हमें उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ जो उनका स्लोगन है तहरीक इंसाफ का, उसके तहत हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी बात सुनी जाएगी और कुछ हम इस मुल्क में इस हुकूमत के साथ चेंज लाने में कुछ इनके हाथ बढ़ा पाएंगे और हमारा मुल्क कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। अब तक तो जो है पिछले 2 साल के अंदर जो हमने देखा है उससे हम बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब का दौर था, उस दौर में और आज के दौर में यकीनन आप फ़र्क महसूस कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ के दौर से ताजर बरादरी फैजियाब हो सकी? देखिए, नवाज शरीफ के दौर में कारोबार तो था, GDP उस हद तक तो नहीं थी जो मुशर्रफ साहब के दौर में थी। देखिए, मुशर्रफ साहब के दौर में 7.5 से 7.8% आपकी GDP थी। नवाज शरीफ साहब से भी एक दो गलतियाँ हुई जो हमने इनको बताया कि भाई आप विदहोल्डिंग टैक्स जो लगाने जा रहे हैं इससे आपकी मईशत डिस्टर्ब होगी, तो उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स जो है ब्यूरोक्रेसी के कहने पर या अपनी गलती की वजह से लगाया, जिसकी वजह से आपकी मईशत डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी। और इस हुकूमत ने भी आप जैसे पॉइंट ऑफ सेल लेकर आ रही है POS सिस्टम, बगैर लिटरेसी रेट आपका बढ़ा नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम आपने कोई दिया नहीं है, आगे जाके आपके साथ क्या होना है कुछ नहीं पता। इस दौर में बनिस्बत पिछले दौर से आपके करप्शन ज़्यादा बढ़ी है, रिश्वत का रेशियो ज़्यादा बढ़ा है और ताजिरों के लिए मुश्किल में इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं सिंध में? सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से अगर हम मुतमईन होते तो आज शहरें टूट फूट का शिकार नहीं होती। आज
हमारी जो है गलियां लाइट के बगैर, स्ट्रीट लाइट के बगैर हैं, रोडों पे, मार्केटों में सेवरेज का गंदा पानी का ये हाल है कि लोगों की नमाजें ज़ाया हो रही हैं। पानी की जो सूरत हाल आज से 25 साल पहले थी आज भी वही है। तो पीपल्स पार्टी ने भी हमें मायूस किया है, जबकि रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन इनका था और ये दावा करते हैं कि इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने के लिए कुर्बानियाँ दी होंगी या कुर्बानियाँ ली होंगी, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार है। ताजिर बिरादरी मिड टर्म इंतखाबात की हामी है या नहीं? ताजिर बिरादरी तो अगर मैं ये सोचूं तो इंतखाबात की हामी नहीं है, क्योंकि इंतखाबात ने हमें तो कुछ नहीं दिया। मैं आपको बात बताऊँ कि हम चाहे याह्या खान का दौर देखें या अयूब खान का दौर देखें या मुशर्रफ साहब का टाइम देखें या ज़ियाउलहक साहब का टाइम देखें, बनिस्बत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के उनके दौर बहुत अच्छे थे। मैं मुशर्रफ साहब के दौर में मैंने CBR होता था, FBR से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, हम कोई तजवीज़ लेके जाते थे तो चेयरमैन से मुलाकात भी आसान थी और हमारी तजवीज़ पे SROs भी इशू हो जाते थे और छोटे ताजरों की रसाई बहुत हद तक मुमकिन थी। लेकिन ये जो आपका जो सिस्टम है, जो जमहूरी सिस्टम को जिसको किया कहा जाता है, उसमें तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, आवाम को दिखाया कुछ जाता है, करा कुछ जाता है। तो हम तो बड़े मायूस हुए हैं इस निज़ाम से। छोटे सनअतकारों का मुल्की बरामदाद में कितना हिस्सा है? आपकी छोटी सनअत पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। होता यह है कि किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए छोटी सनअत ज़रूरी होती है। जैसे आपकी गाड़ी बन रही है, कार, अगर आपका कोई प्लांट, कोई कंपनी कार बना रही है तो उसके बहुत सी एसेसरीज होती हैं, मड फ्लैप है, बम्पर है, डैशबोर्ड का कवर है, ये छोटी इंडस्ट्री से बनता है। पाकिस्तान में हमारे कुछ इदारों की गफलत की वजह से हमारी छोटी इंडस्ट्री तबाह हो गई, जवाल पजीर हो गई। अच्छा, होता क्या है, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि इस चीज़ के ऊपर ड्यूटी लगा दो ताकि वो चीज़ महंगी हो जाए और हमारी लोकल सनअत चले, ये हल नहीं है। वो ड्यूटी लगाने से आपके पास स्मगलिंग का रास्ता खुल जाता है, वो जो सनअत चल भी रही होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। होना ये चाहिए था कि हमें एनर्जी इनको सस्ती प्रोवाइड करते, हर साल कम अज़ कम मुल्क में एक इंडस्ट्रियल जोन छोटे सनअतकारों और बड़े सनअतकारों के लिए हम मार्केट में लेकर आते और रॉ मटेरियल के लिए इनको स्पेशल माहौल प्रोवाइड किया जाता। हमारे पास बॉर्डर्स जो हमारे हैं ईरान, अफगानिस्तान, फिर वेस्ट एशिया की जो हमारे पास ये रूट है, हम इसका फ़ायदा उठाते। हमारे 1200 किलोमीटर की लंबी हमारे पास जो है आपकी समंदरी पट्टी है, हम इसका फ़ायदा उठाते। हमने सिर्फ और सिर्फ 80-82 साल अपने जो है नाए लोगों के पीछे ज़ाया कर दिए। हमारी छोटी सनत इस वक्त जवाल पजीर है, बल्कि बंद हो चुकी है, अब जवाल पजीर भी नहीं है, अब तो आपके पास सब्जी सनत का नामो निशान भी मिट चुका है। आपके जो छोटे छोटे ये जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बनते थे अब वो सब इम्पोर्ट हो रहे हैं या आपके स्मगलिंग के थ्रू आ रहे हैं। क्या वजह है कि मुल्क की जो ताजिर बिरादरी है ये मुंतशिर है, मुनकसिम है, तकसीम हुई हुई, इनमें आपस में बाहमी तौर पर इत्तेहाद क्यों नहीं हो पा रहा, क्या इसके पसे पर्दा वामिल हो सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप 2.5-3 करोड़ के शहर में रहते हैं तो 3 करोड़ के शहर में एक ताजिर तंजीम तो पूरे शहर को नहीं संभाल सकती। आपके 6-7 ज़िले हैं, आप 7 ज़िले के हिसाब से भी देखें तो 7 तंजीमें होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास मसला ये है कि हमारी जो छोटी ताजिर तंजीमें उनके पास कोई फ़ंड नहीं होता और हमारी कोशिश ये होती है कि हम महाना फीसें भी नहीं लें लोगों से, क्योंकि हमारे साथ जो छोटे ताजिर होते हैं उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो कोई चीज़ अफोर्ड कर सकें। तो हमारे तो अपने जो मरकज़ी दफ्तर है हम इसका ख़र्चा भी जो मरकज़ी कायदीन होता है अपनी जेब से पूरा करते हैं, हम किसी से फ़ंड नहीं लेते। फिर हमारे को सरकारी इमदाद नहीं मिलती, ना हम सरकारी इमदाद देते हैं, इसके साथ हमारी कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं होती, तो जिसकी वजह से हमारे पास फ़ंड आए और हम एक साथ चल सकें। तो ये छोटे छोटे अगर आपकी ताजिर तंजीम है तो उसका सबसे बड़ा रोल जो है ना वो चैम्बर ऑफ फेडरेशन का है। अगर चैम्बर ऑफ फेडरेशन अपना रोल सही प्ले करें तो छोटे ताजिर एसोसिएशन की ज़रूरत भी नहीं है। पहले ये होता था कि आपके कराची चैम्बर के अंदर जो बॉडीज रजिस्टर्ड होती थी उनके लिए एक सीट दी जाती थी, रिजर्व सीट होती थी। अब ये पिछले 15-20 साल से वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो चैम्बर अपना एक मैकेनिज़म चलाता है, फेडरेशन का अपना मैकेनिज़म है, तो उसकी वजह से ये छोटे छोटे ताजिर इतिहाद बने और वो छोटे छोटे ताजिर इतिहाद कराची के शहरियों के लिए ये आप समझ लें कि एक जो है अच्छी हवा का एक दर्जा रखते हैं, अच्छी फ़ज़ा का दर्जा रखते हैं कि कोई कहीं कुछ नहीं सुनी जाती तो कोई की बात सुन लेता है, चाहे वो काम करा सके या ना करा सके, वो अपना दिल तो हल्का
वो ताजिर रहनुमा के सामने करके चले जाते हैं। नाजरीन यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। वेलकम व्यूअर्स, शर्जील गुपनानी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, अपनी सैर हासिल गुफ्तगू से हमें फैदियाब कर रहे हैं, इनसे मज़ीद हम जानेंगे और उनसे सवालात करेंगे। गुपलानी साहब, जैसे कि आपके इल्म में है कि जो हमारे लोग हैं मुल्क के, वो सस्ती अशिया को जो है कि तरजीह देते हैं और चाइना से सामान आता है उसकी जो है कि अशिया को हमारे लोग तरजीह देते हैं, जबकि मुल्की जो हमारी अशिया है उस पर इक्तफा नहीं करते, इससे क्या हमारी सनती शोबा मुतासिर नहीं हो रहा? देखिए, हमारी सनत आगे जाने की जगह पीछे गई है। पिछले 25-30 सालों में दुनिया की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे दुनिया चली गई है। हमारे साथ अलमिया ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए हमेशा बैंकिंग सेक्टर और हुकूमत का फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व होता है, हमारे पास वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व है तो वो सिर्फ एक ही टेक्सटाइल का सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट फोकस करती है उस पर। अब आप देखेंगे दुनिया ने तरक्की कर ली, पल्प जूसेस आ गए, ठीक है, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री आप देख लें तो 70 और 50 से शुरू हुई थी, आज 600-700 सीसी की बाइक्स बनाना शुरू हो गई। तो हमने आगे जाने की जगह हम पीछे गए। अब आप बात करते हैं सस्ती चीज़ की, तो दुनिया में कोई भी आइटम आप खरीदने जाते हैं तो जो बायर है वो कोशिश करता है कि उसके बजट में कोई चीज़ आ जाए। तो हमारे जो बजट है आम लोगों का, वो ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं, वरना तो दुनिया में तो ब्रांडेड चीज़ ऐसी है कि 10 रुपये का जो पेन है वो 1000 रुपये का भी बिकता है। तो हम जो है तरक्की करने की जगह हम पीछे की तरफ आए हैं। इसमें फिर मैं वही बात करूँगा कि इदारे, वो इंस्टीट्यूट जितने भी थे, जो हमारे ट्रेड बॉडीज़ भी हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करने के लिए कोई काम नहीं किया और कहीं से बिजनेसमैन को भी सपोर्ट नहीं मिली कि वो आगे जा सके। हुआ ये है कि हम आगे जाने की जगह पीछे गए। इस बात में कितनी सदाकत है कि सनतकार और ताजिर बिरादरी इस मुल्क में मजीद सरमाया लगाने को तैयार नहीं, जबकि वो बैरून ममालिक जाने को तरजीह देते हैं? देखिए, हमारे मुल्क का माहौल शुरू से यही है। जो मैंने जब से होश संभाला है तो हम तरजीह देते हैं। हम एक तो मेरे को ये लगता है कि हम थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार हैं। हमारे नज़दीक ये है कि यूरोप या अमेरिका जाके वहीं हम सेटल हो सकते हैं, वहीं ज़िंदगी है। और कुछ मामला ऐसे हैं कि 1971 में जो हमारी नेशनलाइज हुई इंडस्ट्री, उसने जो आपका जो ट्रस्ट तबाह किया सनतकार और ट्रेडर्स के ऊपर, वो दोबारा डेवलप नहीं हो सका। हम पिछले 3-4 साल से हुकूमत को ये चीख रहे हैं कि आप अपना ट्रस्ट डेवलप करें, और ट्रस्ट डेवलप कब होगा? जब आप जिसका जो राइट है आप उसको देंगे। अब अगर आपका रिफंड है एक्सपोर्ट में, आपको वो 3-3 साल तक नहीं मिले। अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं उसके बाद भी आपको जो है इदारा तंग करे, अगर आप टैक्सेस दे रहे हैं और उसके बाद भी आपको इदारा तंग करे, फ़ाइन लगाए, तो फिर वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। क्योंकि इकनॉमी को चलाने के लिए ट्रस्ट डेवलप करना ज़रूरी है। आप भरोसा जब तक अपना नहीं जीतेंगे सरमायाकार के ऊपर, जब तक आपके पास सरमायाकार नहीं आएगा। अगर आपने पैसा ले लिया और इसके बाद आपने बोला यार हमारी ज़रूरत है, ये 20 करोड़ आवाम तो हमारे बगैर कहीं नहीं जाएगी, ये तो हमारे पास है ही है, ये फंसी हुई है, तो ये हमारी जो है सोच का फ़र्क है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। इसको ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि इस वक्त हमारा सरमायाकार तुर्की में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, शारजा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पे इसको बेसिक राइट्स भी नहीं है, यूरोप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हमारे पास क्यों नहीं? तो मौजूदा हुकूमत तो ताजिरों को, सनतकारों को, इसमें बैरूनी सरमायाकार भी हैं मुल्की भी, उन्हें तो पुरकशिश मदद देने के लिए तैयार है। बबांगे दोहल कहती है कि हम आपको मुख्तलिफ पैकेजेस दे रहे हैं तो आप ये हमारे मुल्क में सरमाया करिए, क्या वजह है जो है कि नहीं हो पा रही है? फिज़िकल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कहने में और करने में फ़र्क है। जब तक आप उसको, मैंने आपको छोटी सी मैं मिसाल दूँ कि इस शेयर ने 2800 अरब रुपये टैक्स दिया, हमने 200 अरब रुपया मांगा था, वो भी हमने आपसे कर्ज नहीं मांगा है, हमने आपको ये नहीं बोला आप हमें दे दें हम आपको पैसा नहीं देंगे, हमने आपको ऑफर क्या की थी? जब वज़ीर आला साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, वज़ीर आलम साहब के साथ तो टाइम नहीं था कि वो हमसे मिले, हमें बुला गए थे, फिर उन्होंने एक स्पीच सुना दी और हम सुन के आ गए। तो हमने वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट की कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, आपकी अप्रोच है, या तो हमें लोन दें, सॉफ्ट लोन दें, जो कि हम इंटरेस्ट फ्री हो, 5 साल 10 साल 20 साल का जो टाइम दें उसमें हम आपको पे बैक कर सकें, नंबर वन। नंबर टू, हमने इनको ये ऑफ़र की कि चलें आप ऐसा करें, ये भी नहीं थे हमें, हमने जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स पिछले 2 साल में अदा किया है
जितने जितना अदा किया वो आप हमें वापस कर दें, हम आपको 5 साल में फिर दे देंगे यही टैक्स, या आप हमारे को एज अ लोन की शक्ल में हमें दे दें, हम आपको वापस कर देंगे। इन्होंने वो भी नहीं किया। हमने फिर इनको ये ऑफर की कि या तो हमें 3 साल का आप टैक्स माफ़ कर दें फर्दर, तो हम जो है आगे काम कर सकें। जब हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं करे, आप मेरे को एक बात बताएं, मैं पिछले 30 साल से टैक्स दे रहा हूँ और आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी है कि भाई मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है, खुदा के लिए मेरे को मेरा पैसे जो मैंने आपको टैक्स दिया है ना, इसी टैक्स से आपने निज़ाम चलाया है, ठीक है। आप उधार तो आज मांगने निकले हो ना दुनिया में, इससे आप सूद मेरे पैसे से दे रहे हो, ठीक है। आपका पूरा गवर्नमेंट का मैकेनिज्म मेरे टैक्स पे चल रहा है, तो मेरा टैक्स तो मुझे वापस दे दो। मैं आपसे ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे 20 साल का दे दो, आप मुझे 2 साल का मेरा टैक्स वापस देंगे, मुझसे वापस ले लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती, ये बातें करते हैं कि भाई ये लोग जो है उसमें नहीं आते, टैक्स फाइलर नहीं बनते। जब आप ये टैक्स देते तो लोगों का डेवलप क्रिएट होता, जो नहीं देता तो बोलता यार मैंने 5 साल दिया होता तो आज मेरे काम आता ये पैसा। हम मेहमान लोग हैं, गुजराती लोग हैं, कराची के लोगों का आप देखें ट्रेंड है बीसी बढ़ता है, ठीक है। कोई 100 रुपये की बीसी बढ़ता है, कोई 2 रुपये की बीसी बढ़ता है, कोई 1 लाख की बीसी बढ़ता है, कोई 10 लाख की बीसी बढ़ता है, और वो पैसा 2 साल का 1 साल मिलता है इनको, उससे कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कारोबार करते हैं, ट्रस्ट होता है ना, ठीक है। आज ये हुकूमत के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो अपना ट्रस्ट डेवलप करती बिजनेस कम्युनिटी के साथ, तो फिर आपके पास दुनिया से भी सरमाया आता और आपका अपना सरमाया बाहर जाने से बच जाता। आप FATF के चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग रो रहे हैं, बिजनेसमैन मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग तो करप्ट लोग करते हैं, ठीक है। आप सरकारी एहलकारों पे हाथ डालते हैं, आप बिजनेसमैन को तंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन को आप बुला के बिठा देते हैं FIA के दफ्तर में। गोबलानी साहब, अभी जिस तरीके से हमारे इल्म में इतलात आ रही हैं हम तक के जो मौजूदा हुकूमत की माशी टीम है, ये मज़ीद सेक्टर को नेट टैक्स में लेकर आने की ख्वाह है। भाई टैक्स नेट में लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि आप जो टैक्सेस लगा रहे हैं उससे आपकी इकनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। अगर आपके जहन में ये है कि हमने इतने बिलियन डॉलर इस साल हमें बाहर नहीं देना पड़ रहा है, इम्पोर्ट हमने रोकी, तो ऐसा नहीं है। जब मार्केट में एक आइटम का 1000 टन की रिक्वायरमेंट है और डिमांड है, तो उसने वो 1000 टन मार्केट ने कहीं ना कहीं से लेना है। इसी में आपको जिंदा मिसाल दे दूँ चीनी की, आज चीनी आपकी 105-110 रुपये भी चली गई 70-80 रुपये से ले, आप चीनी का रेट क्यों नहीं रोक पा रहे, इसलिए नहीं रोक पा रहे कि मार्केट में जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। आज आप इम्पोर्ट पर आ गए, पहली दफ़ा आप 30-40 साल के बाद गंदम इम्पोर्ट पर आ गए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं टैक्स लगाने से बेहतर है, जो माशियत का उसूल है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में, तो हमें ये बताया जाता है कि आप रोलिंग ज़्यादा करें और प्रॉफिट मार्जिन कम करके आप अपना पैसा कमाएं। हुकूमत को ये करना चाहिए कि टैक्स कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए। अगर आप मेरे पे, आपको आज मैं बताऊँ कि इस वक्त कराची में इम्पोर्ट बेस्ड सिटी है ये, ठीक है, और आप चाहते हैं तो आप मिडिल ईस्ट फार ईस्ट की पूरी जो है आप री एक्सपोर्ट करके आप अपनी इकनॉमी को संभाल सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। मैंने इनको एक मिसाल दी कि आप टिम्बर हम इंपोर्ट करते हैं, इसी तरह इंडिया भी इंपोर्ट करता है। इंडिया का कांडला का जो एरिया है, जहाँ के CM मोदी साहब जब थे तो उन्होंने इसको 0% ड्यूटी पे अनाउंस कर दिया। अब दुनिया वहाँ से इंडिया सारा माल मंगाता है, इम्पोर्ट करता है, उसको काटता है और री एक्सपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट को। अच्छा, वहाँ से $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और अपनी इंडस्ट्री भी चला रहा है। इस तरीके से आपके टिम्बर का सेक्टर इस वक्त वर्जिन पर है, आप इसमें कर सकते थे। आपका स्टील का सेक्टर में महाराष्ट्र के अंदर जो आप इम्पोर्ट करेंगे उसके ड्यूटी स्ट्रक्चर पूरे कॉन्टिनेंट से कम है। आप इस तरीके से स्टील सेक्टर को सपोर्ट करते कि आप रॉ मटेरियल आप इनको इतना ईजी एक्सेसिबल कर दें कि वो आपको जो कॉस्ट करें, तो यहाँ से फिर जो है आपका जो भी प्रोडक्ट बन के री एक्सपोर्ट पर जाए। सीमेंट आपका दुनिया में अफ्रीका और बहुत से बड़े बायर्स हैं जो कि आपकी सीमेंट क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो अपने पास इम्पोर्ट कर रहे थे, आपने सीमेंट का रेट इतना ऊपर ले गए कि आज वो आपसे सीमेंट इम्पोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा पाकिस्तान की ऐसा नहीं हो गया फ्यूचर में इम्पोर्ट वाली पोजीशन आ जाए। तो बहुत से सेक्टर थे कि आपको उसको नए सेक्टर डेवलप करने चाहिए थे, नए इंडस्ट्रियल स्टेट आपको डेवलप करने चाहिए थे, उसके ऊपर ये काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं कि यार इतना बंदा ये पैसे देता है, इतना ज़्यादा टैक्स दे रहा है, मैं और टैक्स पे डालूं। इससे आपकी इकनॉमी वीक होगी, इससे आपके बिजनेस सेक्टर वीक होंगे। इस वक्त आपकी इकनॉमी 40% से ऊपर स्मगल अशिया पे गुजारा कर रही है। बरामदाद में इजाफे के लिए कुछ तजावीज़ हैं आपके पास जो हुकूमत को देना चाहिए? बहुत तजावीज़ है, मिसाल एक तजावीज़ नहीं, देखिए मैं आपको फिर भी बताऊँ, टिम्बर है, टिम्बर का आप रॉ मटेरियल 0% ड्यूटी आपने दी हुई है, आप सेल टैक्स ख़त्म कर दें उस पर, आप इनकम टैक्स उसका जो भी है आप इनकम टैक्स रखें, आपका 2% 3% 5% का जो भी है जो आपका हो, जो बंदा
इसमें काम करे और एक्सपोर्ट पे चला जाए, आप इसको रिबेट देने की ज़रूरत नहीं, आप इससे एडवांस इनकम सेल टैक्स लें ही नहीं, ठीक है। टिम्बर के ऊपर आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्री आपके पास लग रही है उसको 5 ईयर्स के लिए आप टैक्स हॉलीडे दे दें, ठीक ठीक है। सबसे बड़ा मसला है आपकी एनर्जी सेक्टर, आपको एनर्जी सेक्टर पे की प्राइजेस कम करनी पड़ेंगी, उसको आप फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, आपके एनर्जी प्रोवाइडर्स की जितनी भी कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का फॉरेंसिक जो आप ऑडिट कराएं वो पाकिस्तान की कंपनी से नहीं कराएं, फॉरेन कंपनीज से कराएं, और उसमें आप देखें कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 40% से ज़्यादा हम पैसा जो है एनर्जी सेक्टर को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो हम पैसा बचा के इंडस्ट्रीज को अपनी डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए इनको हर हालत में काम करना पड़ेगा। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ने 89 रुपये बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया है, इसके नतीजे में सारफीन पर 10 अरब रुपए इजाफी जो है कि लाद दिए गए हैं, बोझ लाद दिया गया, इस पर ताजिर बरदरी क्या कहती है? ताजिर बरदरी सिर्फ शक्ल देख रही है, ताजिर बरदरी सिर्फ अपना सर पीट रही है, ताजिर बरदरी सिर्फ नोहे पर रही है। हम क्या करें, हम माशी तौर पर तबाह हो चुके हैं, हमारे जो बायर्स हैं उनके पास कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, हुकूमत ने हमें बहुत सी चीज़ों में उलझा दिया है, और 10 अरब रुपए की बात नहीं है, 10 अरब रुपए तो आपको ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहे हैं, जो आपका कराची इलेक्ट्रिक जो ओवर बिलिंग की मद में पैसा ले रही है आप उसको देखें। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था और सिंध हाई कोर्ट ने कि मीटर चेंज नहीं हो सकते, आप देखें आपको बताए बगैर मीटर चेंज हो गए, उस मीटर का फॉरेंसिक्स जो होता है जो लैब है वो आप कराची इलेक्ट्रिक अपनी लैब में चेक करती है और अपने तौर पर जुर्माने मारती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी हुकूमत की करप्शन भी इन्वॉल्व है, नाइली के साथ, क्योंकि हुकूमत को पैसा मिलता है जो है अंडर टेबल, उस पर वो ये सारे सिस्टम चल रहा है और आवाम भुगत रही है। जब तक आवाम खामोश रहेगी हम इसी तरह पिसते रहेंगे। बैन अलाक्वामी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई किस तरह मुमकिन है, पहला सवाल आपसे। दूसरा ये कि आप हिंदुस्तान की जो मंडी है जो बैन अलाक्वामी दुनिया के लिए तो खुली हुई है लेकिन पाकिस्तानी मसनूआत के लिए दरवाज़े बंद हैं, क्या इस सूरत हाल के पेश नज़र ताजिर बरदरी हिंदुस्तान से तिजारत की हामी है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये रसाई आपके लिए बहुत से इदारे हमने बनाए, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान TDEP, ठीक है, TDEP के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हर मुल्क में जाके एक्सपो मुनक़द करती है। अब बेसिकली हुआ ये कि फेडरेशन ने और TDEP ने उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया, होना ये चाहिए था। जब एक्सपो होती है, जैसे हम जो है टिम्बर से मेरा ताल्लुक है, तो हमें 2-3 साल में अमेरिकन गवर्नमेंट इनवाइट करती है USA, हम 7-8 लोग जाते हैं तो हमारा वहाँ का जितना खर्चा होता है वो अमेरिकन गवर्नमेंट उठाती है, इस तरह हम कनाडा जाते हैं तो कैनेडियन गवर्नमेंट उठाती है, इस तरह अगर हम मलेशिया जाते हैं तो मलेशियन गवर्नमेंट वो हमारा खर्चा उठाती है, और हमें वहाँ पर विज़िट कराया जाता है अपनी इंडस्ट्रीज़ का कि ये हमारे टेक्नोलॉजीज़ है, ये हमारा तरीका है। हमें करना ये चाहिए कि हमारे बायर्स को हम पाकिस्तान लाएँ, वो पैसा बेयर जो है या तो उस फील्ड से रिलेटेड एसोसिएशन बेयर करें, या गवर्नमेंट जो TDEP को पैसा दे रही है या फेडरेशन को दे रही है, तो वो पैसा वो लोग बेयर करें कि हम बायर को यहाँ लाएँ, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करें, हम अपनी इंडस्ट्री बताएं, हम अपना मैकेनिज़म बताएं, ठीक है। इंस्पेक्शन का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, होता ही है कि हम बोलते कुछ हैं और वहाँ पर पहुँचता कुछ है, उसकी वजह से आप देखेंगे हमारा जो जीन्स है, जो हमारी दुनिया में जीन्स हमारी मानी जाती है, लेकिन हमें वो जीन्स जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका तो मेजोरिटी सप्लायर जो हैं वो LDP देते हैं, लैंडेड ड्यूटी पेड, उसके वेयरहाउस में माल पहुंचता है, वो क्वालिटी से सेटिस्फाई होता है, फिर वो पेमेंट करता है, ठीक है। तो वो हमें ट्रस्ट डेवलप करने के लिए एक तो ये करना पड़ेगा। फिर आप बात कर रहे हैं इंडिया की मंडियों की, इंडिया हमसे अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर के फासले पर, हमसे कोई अलग चीज़ तो नहीं है। इंडिया ने बिल्कुल सनत के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और बिज़नेस के अंदर तरक्की की है, और इंडिया ने जब तरक्की की, जब मनमोहन सिंह इनका फाइनेंस मिनिस्टर बना, इससे पहले इंडिया ने इंपोर्ट के ऊपर बैन रखा हुआ था, तो जब बैन रखा हुआ था तो उनके पास स्मगलिंग का माल पहुंचता था, और मैं आपको बताता चलूँ कि उस स्मगलिंग से पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा था और इंडिया की इकनॉमी भी नीचे थी। इन्होंने ओपन कर दिया पूरी दुनिया को, जब ओपन किया तो टाटा के बाद फिर वहाँ पे सुजुकी भी पहुँच गई, टोयोटा भी पहुँच गई, BMW भी पहुँच गई, मर्सिडीज़ सब पहुँच गए, सारे ब्रांड, बहुत बड़ी मंडी है, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, हम ये फ़ायदा नहीं उठा सके। आज भी अगर आप ओपन ट्रेड पॉलिसी ले आए, ओपन ट्रेड पॉलिसी ये है कि आप सिंगापुर जाएँ, पूरी दुनिया में जहाँ पर बैंक की रिस्ट्रिक्शंस होगी उसकी LC सिंगापुर में खुलती है और सिंगापुर का बैंक वहाँ खुलता है,
ठीक है, सिंगापुर सुबह 9 बजे बैंक खुलता है, रात को 9 बजे तक विदाउट किसी गैप के, विदाउट किसी चीज़ को बंद किए उनका बैंक 12 आवर्स काम कर रहा होता है। आपको दुबई आप देख लेंगे, दुबई में भी कुछ भी नहीं है, यानी आबो हवा का भी बोला जाता है कि उनकी अपनी नहीं है, पानी भी नहीं है उनका, अपना पानी भी वो इम्पोर्ट करते हैं। तो दुबई ने भी ओपन ट्रेड पॉलिसी रखी है कि पूरी दुनिया का बिजनेसमैन वहाँ पे आके अपना बिजनेस करता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, वहाँ से बैठ के डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो उससे बिलियन ऑफ डॉलर कमाते हैं। सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का और सबसे आसान तरीका इकोनॉमी को बूस्ट करने का वो है ओपन ट्रेड पॉलिसी। आप एक दफ़ा ओपन ट्रेड पॉलिसी ओपन कर दें, आपने सारी चीज़ें आजमा ली ना, एक दफ़ा हम छोटे ताजिरों कहने पे 5 साल या 10 साल की पॉलिसी लेकर आएँ कि आपने हिलना नहीं है और आप ओपन ट्रेड पॉलिसी ले आएँ, आपके पास री एक्सपोर्ट के मद में इतना बिजनेस आएगा कि आपकी सोच है। देखें अफगानिस्तान इसमें वर्जिन मंडी है, ईरान वर्जिन मंडी है, आपके पास सेंट्रल एशिया आपके पास वर्जिन मंडी है, इसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ़ायदा उस वक्त उठा सकते हैं जब आप ओपन ट्रेड पॉलिसी लाएंगे। लाजमी बात है कि जब यहाँ से गाड़ी बुक होकर जा रही होगी जैपनी, तो कोई ना कोई हमारा ब्रांड भी चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी जो तजवीज़ है ये हुकाम बाला तक पहुँचेगी। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। आइंदा के लिए अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त।